हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम, मजे में। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? जैसे कि अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, एनी सरफेस एवरी पॉइंट ऑन व्हिच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कहीं पे भी आप घूमो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ऐसी सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बहुत ही आसान है समझना। बच्चों अगर याद करो तो इसके आगे वाले जो लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, और हमने बोला था कि वो जो एक्सिस थी ना, उसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, याद आया कुछ? अगर नहीं याद आता है तो वापस वो वीडियो रिवाइज कर लो, इसके आगे का ही वीडियो है। ठीक है, हमने देखा था कि भाई मेरे पास एक डायपोल था, मुझे ना दो जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोला गया था। उसमें से एक केस वो था कि जिसमें मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालने को बोला था, और मुझे आंसर क्या मिला था, मान लो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मुझे यहाँ पे कोई थ्री पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना मिला था, जीरो मिला था। उतना ही नहीं, मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पॉइंट पकड़ लो, सारे पॉइंट के ऊपर, मान लो इसको मैं क्यू बोलता हूँ, इसको आर बोलता हूँ, इसको एस बोलता हूँ, इसको टी बोलता हूँ, तो पोटेंशियल एट क्यू बोलो या फिर पोटेंशियल एट आर बोलो या फिर पोटेंशियल एट एस बोलो या फिर पोटेंशियल एट टी बोलो या फिर पोटेंशियल एट पी बोलो, सारे पोटेंशियल क्या आएंगे, जीरो ही आएंगे। यस और नो? तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं, वो सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। मतलब कि सेम पोटेंशियल आएगा। बच्चों यही तो होता है इक्विपोटेंशियल एक्सिस। अगर ऐसा एक प्लेन मान लो, एक 3D में प्लेन मान लो, कि अगर मैं ये एच एक्सिस बोलूं तो वाई एंड जेड प्लेन में एक प्लेन मान लो, वाई जेड प्लेन मान लो, तो वो पूरा प्लेन क्या हो जाएगा मेरे लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। या सुनो, वो प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर चले जाओ, हर एक पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना दिखेगा, जीरो ही दिखेगा। या सुनो, मतलब कि वो सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पॉइंट बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। एनी सरफेस एवरी पॉइंट ऑन व्हिच हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसी सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही आसान पॉइंट था। बच्चों आओ यहां पे और एक पॉइंट देखते हैं। मान लो कि बच्चों मेरे पास ना एक चार्ज है प्लस क्यू। मैंने बोला कि भाई यहां से अगर मैं कोई एक सेपरेशन ले लूं, मान लो लेट से आर। बच्चों बोलो यहां पे मैंने ये चार्ज के से आर सेपरेशन पे एक पॉइंट पसंद कर लिया जो है पी। बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या आएगा? बच्चों आप बोलो पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या निकलेगा, इट इज के क्यू अपॉन आर। ठीक है, आपको पता है किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है, वो फाइंड आउट करना आपको आता है। यस सुनो, हमने देखा था फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी तो देखा था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने प्रूफ भी देख लिए थे। ठीक है, सो किसी भी चार्ज की वजह से किसी सेपरेशन के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल कितना आता है हमें पता है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। बच्चों मान लो कि मैं इसी इतना ही सेपरेशन कहीं और लेता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे नहीं, कोई एक यहां पे सेपरेशन उतना ही है, आर ही है, सेपरेशन उतना ही है, आर सेपरेशन ही है, यहां पे मैंने एक पॉइंट पसंद कर लिया क्यू। अभी बताओ बच्चों ये क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, फ्रॉम दी प्लस क्यू आर सेपरेशन पे मान लिया मैंने एक कोई एक एक पॉइंट है कैपिटल क्यू, इसका पोटेंशियल कितना होगा? आप आंसर दोगे सर ये भी के क्यू अपॉन आर होगा, है कि नहीं? फॉर्मूला लगाओ ना, पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू ऑन दिस पॉइंट हाउ मच, के क्यू अपॉन आर। अरे इतना ही नहीं बच्चों, मान लो कि मैं ना यहाँ पे कहीं पे एक आर इतना ही सेपरेशन लेता हूं आर, और यहाँ पे मैं एक कोई पॉइंट पसंद करता हूं दैट इज आर। बताओ बच्चों ये वाले आर पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस प्लस क्यू कितना पोटेंशियल आएगा? तो बच्चों आप इसका आंसर दोगे के क्यू अपॉन आर। मतलब कि क्या आपकी अभी दिमाग की घंटी बजी, आपकी दिमाग की घंटी बजी? देखो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोचो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, कि V is equals to KQ upon R, या फिर मैं इसको small q लिखूं क्योंकि मैंने small q charge पसंद किया है, तो ये होता है KQ upon R। यहाँ पे अगर मान लो बच्चों कि ये q constant है, मतलब कि किसी एक चार्ज की वजह से मैं अलग अलग लोकेशन पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या assume कर लिया, K and Q both are constant, ऐसा assume कर लेते हैं, तो यहाँ पे V is directly proportional to R हो जाएगा। अभी अगर मैंने बच्चों
यहाँ पे आर का वैल्यू भी हर एक जगह पे मैंने कॉन्स्टेंट मान लिया, मतलब कि मैं यहां से जितना सेपरेशन आर ले रहा हूं उतना ही आर सेपरेशन यहां पे भी ले रहा हूं, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पे, तो यहां पे जितने भी ऐसे डिस्टेंस मिलेंगे ना, जितने भी पॉइंट मिलेंगे जिसका सेंटर से या फिर चार्ज से सेपरेशन आर होगा, तो वहां पे वो सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब कि ऐसा मान लो कि यहां से हमने आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, हमने क्या किया आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आने हैं ना, वो सारे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, सही है। तो ये जो सर्कल बना ना, वो जितने भी पॉइंट को, जितने भी पॉइंट उसके ऊपर है, सारे पॉइंट के ऊपर हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो बच्चों ये जो सर्कल बना ना, ये सर्कल हमारे लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल है। या सुनो, सर्कल क्या है, इक्विपोटेंशियल है। किसी भी चार्ज से एक कांस्टेंट डिस्टेंस मान लो और वो इतनी रेडियस देके आप एक सर्कल बना दो, तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। अरे उतना ही नहीं, अगर 3D में इमेजिन करें, 3D में अगर इमेजिन करें, तो इतनी ही रेडियस का मैं मान लो एक स्फीयर बना दूं जिसके सेंटर में क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो पूरे स्फीयर का भी 3D में अज्यूम कर ले, तो पूरे स्फीयर का भी सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब कि दैट स्फीयर इज नथिंग बट द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस प्लस क्यू चार्ज। यस और नो, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, उसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है पॉइंट, यस और नो? आप चाहो तो किसी एक चार्ज से कोई एक आर रेडियस का एक सर्कल बना दो, तो वो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, और सोचो और आगे जाओ कि 2D से 3D में चले जाओ कि उतनी ही आर रेडियस को लेके अगर मैं पूरा एक स्फीयर बना दूं, 3D स्फीयर बना दूं, तो पूरा स्फीयर जो भी है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल। मतलब वो पूरा स्फीयर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2D को छोड़ के स्फीयर के पास गए, तो स्फीयर भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं। यस और नो, पॉइंट क्लियर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसीलिए बच्चों अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा होगा, वहां पे तो पोटेंशियल नहीं पढ़े थे, पोटेंशियल सेकंड चैप्टर में था, लेकिन अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, वो होलो है या फिर सॉलिड है, कंडक्टर है, तो उसका सारा चार्ज कहां पे होता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो उसकी जो सरफेस बनेगी ना, वो सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस और नो? तो बहुत ही सिंपल है पॉइंट को समझना, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई। किसी भी चार्ज के, चार्ज से आपको एक पर्टिकुलर रेडियस लेके एक सर्कल बना दो, या फिर एक 3D में स्फीयर बना दो, उतनी ही रेडियस का स्फीयर बना दो, तो वो क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इस हिसाब से अगर देखने जाए तो किसी चार्ज के लिए कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है, कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है, सोच के बताओ। किसी एक चार्ज के लिए ऐसी कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं 2D में बात करूं, यहीं पे 2D में बात करूं, तो मान लो बच्चों ये मेरा जो चार्ज है, मैंने क्या बताया, किसी भी चार्ज के लिए आपको एक पर्टिकुलर रेडियस को पकड़ लो और उस रेडियस का आप एक सर्कल बना दो। 2D की बात करूं, 3D की नहीं, 3D में स्फीयर बनेगा उसके, वो चार्ज के अराउंड में, सराउंडिंग में स्फीयर बनता जाएगा, छोटा बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, यहां पे हम सिर्फ 2D की बात करें, तो मान लो ये मेरा चार्ज है, दिस इज द चार्ज क्यू। ठीक है, अज्यूम कर लो ये चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है। चलो, तो बच्चों इसके लिए मैं कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता हूं, आइडियली कितनी बना सकता हूं, 1, 2, 3, 4 काउंट करो और मुझे बताते जाओ कितनी आप रेडियस का कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। देखो बच्चों, मान लो कि मैंने एक R1 रेडियस पसंद कर ली, तो R1 रेडियस के रिलेटेड मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिली। ठीक है, इससे कोई एक अलग मैंने मान लो बच्चों R2 रेडियस पसंद कर ली, तो उसके रिलेटेड भी मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। ठीक है, उसके अलग, उससे अलग मान लो बच्चों मैंने एक R3 रेडियस पसंद कर ली, तो उसके रिलेटेड मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। या सुनो, ऐसे करते जाओगे तो आप खुद ही सोचो कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकती है आपको, कितनी इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हो। जितनी रेडियस लेके
अब जितने यहां पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग रेडियस लेके जितने सर्कल बनाते जाओगे वो सारी सर्कल, वो जितने भी सर्कल बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल। सारे मतलब कि यहां पे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि ये छोटे सर्कल के आर वन रेडियस के सर्कल के ऊपर कहीं पे भी घूमोगे तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। नंबर वन को छोड़ के नंबर टू के पास आओ तो बच्चों ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कभी ये मत समझना कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही नंबर थ्री वाले सरफेस, नहीं वो अलग अलग है, वो अलग अलग सरफेस है। नंबर वन सरफेस के ऊपर कहीं पे भी घूमो तो वो इक्विपोटेंशियल है, नंबर टू सरफेस के ऊपर कहीं पे भी घूमो तो वो इक्विपोटेंशियल है, लेकिन नंबर वन एंड नंबर टू वो दोनों अलग पोटेंशियल वाले, रेडियस चेंज हो गए ना, आर आर चेंज हो गया, प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर आर कांस्टेंट रहता है तो जहां जहां पे आप घूमोगे, जहां पे आर कांस्टेंट है वो पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन जैसे आपका आर चेंज हुआ पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस और नो? तो हियर दिस सरफेस नंबर वन इज इक्विपोटेंशियल, सरफेस नंबर टू इज इक्विपोटेंशियल, सरफेस नंबर थ्री इज इक्विपोटेंशियल, लेकिन अगर मैं टू और थ्री को कंपेयर करूं तो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड थ्री, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन एंड थ्री। ठीक है, तो ये दोनों सर्फेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो सरफेस के ऊपर कहीं पे भी घूमो तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो इक्विपोटेंशियल होगी। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे जितने भी अलग अलग रेडियस लेके आप सर्कल बनाओगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते जाएंगे, है कि नहीं? ये सुनो, तो ऐसे कितने सरफेस बना सकते हो आप? इनफाइनाइट, लेकिन हम क्या बोलेंगे, एन, हम क्या बोलेंगे, एन। इनफाइनाइट तक तो कोई ड्रॉ करने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, किसी भी एक चार्ज के लिए कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकती है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकती है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? अगर आपको 3D में जाओगे तो कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना पाओगे, तो पर्टिकुलर अलग अलग रेडियस के छोटे छोटे स्फीयर बनाते जाओ, जितने भी स्फीयर बनाते जाओगे वो सारे स्फीयर क्या होते जाएंगे, उसके लिए अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। यस और नो? क्लियर है पॉइंट? यस और नो? तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इतना तो देख ले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। अगर किसी चार्ज के लिए हम बात करें कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगी, तो कितनी होगी, तो वो हम ऐसे मानते हैं कि भाई यहाँ पे आइडियली तो इनफाइनाइट हम सरफेसेस बना सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इसका फाइनाइट आंसर लाने के लिए हम बोलेंगे कि भाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं, एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं। ठीक है, आइडियली कितनी होगी, इनफाइनाइट, जितने ऐसे आप सर्कल बनाते जाओगे। 2D की बात करें तो जितनी अलग अलग रेडियस लेके, सर क्या ये पहली R1 से स्टार्ट होगी? नहीं बच्चों, इसके नजदीक में कोई भी एक छोटी सी रेडियस पसंद करो, वो एक अपने आप में इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो जाएगी। इट इज जस्ट ए इमेजिनरी थिंग, ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस दिखती नहीं है, फील्ड को दिखता है, फील्ड देखे हो कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे नहीं है? यस और नो? हम सिर्फ फोर्स को महसूस कर पाते हैं, फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फोर्स इनिशिएट होता है उसको महसूस कर पाते हैं, उसको देख नहीं सकते, इसलिए तो हम फील्ड लाइंस का यूज करते हैं ना उसको शो करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना वो दिखती नहीं है, मतलब कि क्या हर एक चार्ज ऐसे ऐसे सर्कल लेके घूमता है क्या? नहीं, लेके नहीं घूमता, लेकिन होता है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी थिंग है, जिसको हमें इमेजिन करना होता है कि अच्छा ये सर्कल बना इक्विपोटेंशियल है, ये सर्कल बना ये इक्विपोटेंशियल है, ये सर्कल बना ये इक्विपोटेंशियल है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? चलो, तो ये हो गया पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं उसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है वो भी देख लेते हैं। चलो वन बाय वन प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर वन, ध्यान से देखते जाओ, प्रॉपर्टी नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर वन। बच्चों ध्यान से देखना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट इट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट बोलता है कि भाई टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फील्ड लाइन में भी देखे थे कि
टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यस नो? ये देखे थे हम चैप्टर नंबर 1 में, अगर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो वहां पे बोला था कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे ही यहां पे टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों बोला जाता है? ध्यान से देखो बच्चों, मान लो कि मेरे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि इसके पूरी सरफेस, ये जितने भी पॉइंट से बना है ये सरफेस, वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मान लो कि इसका पोटेंशियल है प्लस 5 वोल्ट, अज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल कितना है प्लस 5 वोल्ट। एक दूसरी ऐसी सरफेस आई जो इसको इंटरसेक्ट कर गई, अज्यूम करो इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, जिसका पोटेंशियल है प्लस 4 वोल्ट, कितना है प्लस 4 वोल्ट। अभी जरा सोचो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहां पे देखो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ना, वहां पे अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको दो पोटेंशियल मिलेंगे, दो पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पे बच्चों, ये वाले पॉइंट को मैं किसके ऊपर मानूं? क्या ये वाला पॉइंट ये वाली सरफेस के ऊपर है या फिर ये वाली सरफेस के ऊपर है? किसके ऊपर है? सोचो जरा, सोचो कौन सी सरफेस के ऊपर होगा ये पॉइंट, सोच के बताओ मुझे। मैं ना तो इसको 5 वोल्ट वाली सरफेस के ऊपर मान सकता हूं, ना तो 4 वोल्ट वाली, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो होता है जो दोनों सरफेस के ऊपर माना जाता है, या सुनो, अगर मैं इसको दोनों सरफेस के ऊपर मानूं तो ये तो भैया इसकी तो लॉटरी लग गई, इसकी तो लॉटरी लग गई, इसको तो दो दो पोटेंशियल मिल रहे, इसके पास 4 वोल्ट भी है 5 वोल्ट भी है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? एक ऐसा पॉइंट कि जिसके पास दो पोटेंशियल है, हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज नेवर एवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, यस और नो? एक ही पोटेंशियल मिलता है, एक ही पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट के ऊपर तो भाई ऐसा दिख रहा है कि दो दो पोटेंशियल है, इसकी तो लॉटरी लग गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो पार्ट? यस और नो? बात समझ रहे हो कि नहीं? आई कि नहीं आई? सिंपल है, किसी भी पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो ये इंटरसेक्ट करवाया ना, ये गलत है, ये इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, यस और नो? किसी भी दो इंटरसेक्ट, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को आप अगर इंटरसेक्ट करने की सोचो तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यस और नो? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू इंटरसेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, उसके ऊपर दो अलग अलग पोटेंशियल होंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? किसी एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है, दो अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे थोड़े हुए तो हमारे पास 5 वोल्ट, ऐसे थोड़े हुए तो 4 वोल्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर है पॉइंट, यस और नो? तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, जल्दी से लिखो, छाप लो इसको, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, चलो लिख लिए। सेकंड प्रॉपर्टी, क्लियर है पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आया बस समझ में? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, दिमाग में फिट कर लो, जैसे फील्ड लाइंस में था वैसे यहां पे भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? चलो सेकंड पॉइंट बच्चों ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये था। नंबर 2, no work is done to move any charge on equipotential surface, ठीक है? बहुत ही सिंपल पॉइंट, ये पॉइंट भी इतना ही सिंपल है जितना पहला वाला पॉइंट था। देखो ध्यान से समझो, हम समझाते हैं आपको, ध्यान से समझते जाओ, पहले ये पॉइंट को लिख लो, फिर ध्यान से समझते जाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों मान लो मेरे पास ना एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, सेंटर पे कोई एक चार्ज प्लस क्यू है और ये हो गए इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि ये सरफेस के ऊपर मैं कहीं पे भी घूमूंगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हर एक जगह पे सेम होगा। मान लो कि ये जो रेडियस है वो आर के बराबर है। अभी बच्चों मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे ना एक चार्ज को ये सरफेस के ऊपर घुमाना है, ठीक है, चार्ज को क्या करना है, एक सरफेस के ऊपर घुमाना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मान लो कि बच्चों मुझे ये वाले पॉइंट जो ए पॉइंट है वहां से किसी चार्ज को उठा करके मुझे फ्लो करना, मतलब कि
उठा करके मुझे इसको 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 यहां तक लेके आना है, यही सरफेस के ऊपर घुमाते घुमाते लेके आना है, समझो, यही सरफेस के ऊपर मुझे किसी चार्ज को घुमाते 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 यहां तक लेके आना है, ठीक है। सरफेस को छोड़ना नहीं है मुझे, वही सरफेस के ऊपर घुमाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहां से एक टेस्ट चार्ज को क्यू नोट को यहां से उठा करके कहां पे लेके आना है, बी तक लेके आना है, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक लेके आना है। बताओ बच्चों मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात होती है, सिंपल सी बात होती है कि भाई किसी भी चार्ज को कहीं से मूव करना है तो आप ही को वर्क करना पड़ेगा ना। यह सुनो, याद करो चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर हमारा, यही चैप्टर का पहला लेक्चर जिसमें हम बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यस नो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को जाना पड़ेगा, चार्ज को उठाना पड़ेगा, फिर वहां से लेके यहां तक लाना पड़ेगा। वर्क डन कैसे मिलेगा आपको, वर्क डन कैसे मिलेगा, फॉर्मूला याद है क्या, डेल्टा वी का फॉर्मूला याद करो। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है, यही तो फॉर्मूला था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकलता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स डेल्टा वी, है कि नहीं, यस और नो। तो यही तो फॉर्मूला निकलेगा यहां पे, है कि नहीं। तो वर्क डन मुझे निकालने को बोला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट, जहां से स्टार्ट करके जहां तक लेके जाने वाले वो दो पॉइंट के बीच का, वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, इतना कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यस वर्क डन मिल जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आप ही को वर्क करना है, यू हैव टू वर्क फॉर दिस। आपको जाना है पॉइंट ए के ऊपर, आपको जाना है पॉइंट ए के ऊपर, वहां से टेस्ट चार्ज को उठाना है, उठा करके लेके आना है। सर यहाँ पे क्या सरफेस पे ही चलना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। तो वर्क डन यहाँ पे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मैं उसको सीधा लेके आऊं तो भी चलेगा, ऐसे लेके आऊं तो भी चलेगा, ऐसे लेके आऊं तो भी चलेगा। दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे उसको, यही सरफेस के ऊपर घुमाते आएंगे, ये सुनो। बाकी उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप यही पाथ को फॉलो करो, आप सीधा लेके आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको ऐसे 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 करके जिगजैग मैनर में लेके आ जाओ, मतलब कि ए से लेके बी तक लाना है, बस इतना करना है, ए से लेके बी तक लाना है, फिर आप कोई भी पाथ बीच में ले लो चलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने ये जो ब्लू कलर का जो भी सर्कुलर पाथ बताया वही आपको फॉलो करना है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं समझा चुका हूं ये सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कोई भी एक पाथ फॉलो कर दो, ये जरूरी नहीं कि यही पाथ को फॉलो करो, सीधा लेके आओ, यहां से लेके आओ, कहीं से भी लेके आ जाओ, भाई लेके आओ, कहां से लेके आओ, ए से लेके आओ, कहां तक लेके आना है, बी तक लेके आना है, ठीक है, ए से लेके आओ, बी तक लेके आना है, ठीक है। तो चलो वर्क डन निकालते हैं, यहाँ पे वर्क निकालते हैं, ध्यान से देखते जाओ, आप ही बताओगे वर्क डन क्या होगा, कौन वर्क करेगा भाई, एक्सटर्नल एजेंट, अपने आप थोड़ी ना चलता आएगा चार्ज, हमें जाना पड़ेगा उसको उठाना पड़ेगा, उठा करके ऐसे लेके बी तक लाना पड़ेगा, यस और नो। तो चलो आ जाओ मजदूर बन के आ जाओ यहाँ पे और उठा लो इसको क्यू नोट को, क्यू नोट को उठाए और चलते बने चलते बने चलते बने चलते बने कहां तक गए, बी तक गए, बी के जा बी के ऊपर जाके हमने चार्ज को रख दिया, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि आपके द्वारा हुआ वर्क कितना, क्यू नोट टाइम्स डेल्टा वी, ये वाली इनिशियल पोजीशन यहां से उठा करके लेके आना है, कहां तक लाना है, बी तक। पाथ कोई भी फॉलो करो, सीधा फॉलो करो, जिगजैग मैनर में लाओगे या फिर यही सर्कुलर पाथ पे लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यहां से क्यों, यहां से लेके आओ ना, कौन ना बोलता है आपको, अरे भाई घुमा फिरा के लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ये वर्क, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन टू द एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब की फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्या होगा वो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है ना, फाइनल पोजीशन कौन सी है, बी, इनिशियल कौन सी है, ए। अभी बच्चों ध्यान से देखो यहां पे, ध्यान से देखो, क्यू नॉट इनटू बच्चों वीबी कितना, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखूं भाई, ये वाला पॉइंट चार्ज से कितना दूर है, एक ही तो चार्ज है यहाँ पे, सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं, सिंगल चार्ज है, तो भाई यहां से आर सेपरेशन पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ सकता है, वीबी इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर, है कि नहीं, लिख सकता हूँ। अच्छा वीए कितना, ये वाला पॉइंट भी कितना दूर है भाई, ये आर डिस्टेंस पे ही है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना आएगा, इट इज ऑल्सो के क्यू अपॉन आर, है कि नहीं, है कि ये वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा ना। यस, क्यू नॉट को क्यों देखते हो, क्यू नॉट को देखने की जरूरत नहीं, वो तो टेस्ट चार्ज है हमारा, वो तो टेस्ट चार्ज है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, यस और नो। जितना दिखाते उतना ही देखो, समझ रहे हो, चलो इसको देखने की जरूरत नहीं, ये तो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो तो डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से हम क्यू नोट को तो एक केस खुद दूसरा छोटा सा चार्ज लेके आए, उसको उठा करके यहाँ पे लेके आए,
बच्चों VA पोटेंशियल कितना था KQ बाय R, VBB कितना है KQ बाय R, कुछ समझ लो क्या होगा ये डिफरेंस क्या निकलेगा, ये भी KQ बाय R, ये भी KQ बाय R, दोनों तो छम्मा छम्मा, आंसर क्या निकला Q नॉट इनटू जीरो, मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आपको मूव करवाना है तो प्रैक्टिकली आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। यह सुनो, आई बात समझ में, ये जो प्रॉपर्टी नंबर टू है वो यही तो दिखा रही है, नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके सामने ही है, आपके सामने ये सारा एग्जांपल, हमने क्या किया वर्क डन निकालने के लिए टेस्ट चार्ज को यही इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट को पसंद कर लिया, उसको इनिशियल पॉइंट माना, और फिर दूसरा एक पॉइंट हमने पसंद कर लिया उसको फाइनल पॉइंट माना। हम क्या किए, एक्सटर्नल एजेंट बन के गए, वहां से एक क्यू नोट को उठाया और फिर उसको लेके आए, चलते 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 बी तक लेके आए, ठीक है। तो वो वर्क कितना होता है, क्यू नोट इंटू डेल्टा वी के बराबर, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो वी बी माइनस वी ए के बराबर। बच्चों ये दोनों पॉइंट ऐसे है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, मतलब कि जितना पोटेंशियल ए के ऊपर है उतना ही बी के ऊपर है, तो दोनों तो छम्मा छम्मा हो गए, वर्क डन कितना निकला जीरो। आ गया प्रूफ प्रॉपर्टी का, नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिमाग में फिट कर लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़ता है, राइट है, ये सही बात है, ये सुनो, आपके सामने प्रूफ भी है, हमने देख लिया है कि नहीं, क्लियर है। चलो लास्ट प्रॉपर्टी, जल्दी से इसको छाप लो, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर थ्री देखेंगे इसके बाद, ध्यान से देखते जाइए सारी चीजें। चलो तो आई होप सो कि आपने इसको लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों ये पॉइंट क्या बोलता है, जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखोगे तो उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या बनने वाला है, 90 डिग्री। एंगल क्या बनेगा हमेशा 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको समझाते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। मान लो कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल फील्ड, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी मान लो बच्चों ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको ड्रॉ करके मतलब फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये फील्ड लाइंस क्या शो करती है, ये फील्ड लाइंस ये शो करती है, भाई हमेशा फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, कहां पे एंड होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। सर बहुत सारे, जी हाँ बहुत सारे। पैरेलल फील्ड लाइन जनरेट करने के लिए एक चार्ज नहीं चाहिए, एक चार्ज के लिए तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे हमें पैरेलल फील्ड बनाना है ना, तो पैरेलल फील्ड कहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे तभी तो वो बेंड होके पैरेलल हो जाएगी लाइंस, ये सुनो, तब जाके हमें ये पैरेलल फील्ड मिल सकता है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, क्लियर है पॉइंट। चलो बच्चों अगर मैंने ऐसा कोई फील्ड अज्यूम किया है तो ये फील्ड में अगर मैं कोई एक प्लेन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, 3D प्लेन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा ना, ये प्लेन हमारे लिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये प्लेन हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यस नो, सो दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसा समझो कि भाई ये चार्ज है ना, ये चार्ज है, उसके आर रेडियस पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को मान लिया है, मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बच्चों ये जो है ना चार्ज, क्या उसका भी कुछ फील्ड होगा, मतलब कि उसकी भी फील्ड लाइंस होगी, वो सारी फील्ड लाइंस अवे टू दी चार्ज होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आपको पता है ये सारी चीजें है कि नहीं।
वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। तो जरा ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जरा ऑब्जर्व करो। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे फील्ड लाइंस जो भी है ना वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, सरफेस को देखो, सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री का, मतलब कि चाहे यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है और ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, और ये जो फील्ड लाइंस है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में है, यस नो। तो फील्ड लाइंस एक्स प्लेन में और हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में। क्या वाई जेड प्लेन, वो एक्स प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, जी हाँ, मतलब कि यहां पे भी एंगल क्या बनेगा, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यस और नो। तो फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर ही होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपको लिखने को बोले एनसीईआरटी के एग्जाम में तो आपको लिखना आना चाहिए तीन प्रॉपर्टी, उसको अच्छे से लिखो, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी को शो करो, उसको थोड़ा प्रूफ वगैरह दे दो, बात खत्म, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या आपको समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस की जिसके हर एक पॉइंट के पास सेम पोटेंशियल हो, ऐसी सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सोचो, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करती है, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए तो वो वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना बच्चों, वो पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू मिल सकती है। तो यहां पे अगर दोनों अलग अलग वैल्यू का पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये हो गया उसकी तो लॉटरी लग गई भाई, ये ऐसा पॉइंट है कि जिसके पास दो दो पोटेंशियल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट के पास हमेशा एक ही वैल्यू का पोटेंशियल होना चाहिए, यस नो, और यही होता है, इसलिए दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्या था, याद करो सेकंड पॉइंट, यस, नो वर्क इज डन टू मूव एनी चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी कोई एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर मुझे घुमाना है तो उसके लिए मुझे कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, यस नो, हमने उसका प्रूफ भी दिया था। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो इतनी तीन प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है, आई होप सो कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर एंड करते हैं, आज हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो भी है उसमें हम वो वाला पॉइंट को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, आपके जैसे जितने भी निडी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको घर से बैठ के पढ़ाई करनी है और वो कहीं पे जा नहीं सकते, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप उनको हमारी चैनल शेयर कर दो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करते, तो ऐसे वीडियो हम लाते ही रहेंगे, ठीक है। टिल दैट एंजॉय योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।